दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने नहीं मांगी आगे की रिमांड। ईडी ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, सवालों के जवाब नहीं दिए। कोर्ट की इजाजत से केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के अलावा मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की, जेल में दवा स्पेशल डाइट की भी मांग। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट से पढ़ने के लिए 3 किताबों की मांग की, किताबों में रामायण, महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल। शराब घोटाले में पहली बार आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम, ईडी का दावा। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर इन्हीं दोनों को रिपोर्ट करते थे। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि केजरीवाल को संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया, ईडी और सीबीआई बीजेपी के इशारों पर कर रही है काम। आप विधायक ऋतुराज झा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही है साजिश, आप विधायकों को धमकी देकर तोड़ने की हो रही है कोशिश। के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, कविता पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप। इनकम टैक्स के नोटिस पर कांग्रेस को बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव तक नहीं करेगा रिकवरी की काम। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, विनोद तावड़े पहुंचे, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल भी हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव के अलावा कमेटी के सदस्य भी बैठक में हुए शामिल। अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन, जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कल सीकर में किया था रोड शो। मंडी से कंगना रनौत ने किया चुनावी प्रचार, कहा कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए की गोलमोल गारंटी देने का दावा करती है। विदिशा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा, कांग्रेस हो गई अप्रासंगिक, उनके पास न नीति है न नियम। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर निशाना, बोले मुंबई और देश से बीजेपी होगी तड़ी पार, का जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक, कल ही बैठक में बिहार की नई कई सीट के प्रत्याशियों के नाम फाइनल, ओडिशा की भी कुछ सीटों पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बिहार की किशनगंज सीट से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद के नाम पर मुहर, कटिहार से तारिक अनवर को टिकट, भागलपुर पर अभी फैसला। बिहार की कुल 40 लोकसभा की सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, 26 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी चुनाव, 5 सीटें लेफ्ट के खाते में।